स्टूडेंट्स, आज हम आपका राइटिंग सेक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नोटिस राइटिंग पढ़ेंगे, जो कि सिक्स क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक हम इसे पढ़ते आ रहे हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर जैसा मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स। लेट्स स्टार्ट। नोटिस राइटिंग इज अ फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये किसी स्कूल के द्वारा या किसी सोसाइटी के द्वारा या कोई क्लब या कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नोटिस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है। स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी है या किसी ग्रुप के मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है। थ्रू दिस, थ्रू नोटिस, वी गिव द इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो कुछ की पॉइंट्स हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल राइट द नोटिस टू द पॉइंट। कोई इररिलेवेंट मैटर आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। जिस मैटर से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, सिर्फ टू द पॉइंट ही आप उन पॉइंट्स को लिखेंगे। वर्ड लिमिट आपकी 50 होगी, उससे ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नोटिस जो है आपका हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में होगा या पैसिव वॉइस में आप इसको लिखेंगे। फॉर्मल लैंग्वेज होगी नेक्स्ट पॉइंट। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज करेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। इट इज एन इनफॉर्मल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट, इसमें आप पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। आई एंड वी वर्ड्स इसमें हम यूज नहीं करेंगे। लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। आपको इसमें नोटिस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंपल्सरी टू ड्रॉ अ बॉक्स। आप एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। मैंने इसको, ये वाली लाइन को नहीं अभी ड्रॉ किया है, बिकॉज वी नेवर नो कि हम मैटर कहां तक कवर करते हैं। तो लास्ट में हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन द बिगनिंग, इन द सेंटर यू विल राइट द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी। और स्टूडेंट्स के लिए तो यू आर सपोज टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल। सो नेम ऑफ द स्कूल, दिस इज इश्यूइंग अथॉरिटी। After that, in capital letters, bold letter, you will write N-O-T-I-C-E, notice. And in next line, left hand side, you will write the date. And let me tell you, dates किस तरह से लिखी जाती है। Suppose आपका जो notice है, you are going to write it on 12th March. तो how you will write? Either write it like 12th March 2020, or you can write it like March 12, 2020. Any of them you can write. After that, you will write the heading or the title about which you are supposed to write the notice. So suppose the notice is about tree plantation. So it means you are supposed to write here heading, or you can say title. After that, you will write the body of the letter. Let me tell you how to write the, how to start the body of the notice. You will start with, this is to inform you. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, तो आप इसको लिखेंगे डायरेक्ट भी, और ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड। उसके बाद प्रोग्राम को मेंशन करने के बाद यू आर सपोज टू राइट द डेट दैट व्हेन द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी हेल्ड, और व्हेन के बाद वेयर, एट विच प्लेस, वेन्यू, यू आर सपोज टू राइट द वेन्यू। तो सो वी विल राइट द डेट एंड प्लेस। उसके बाद इन द एंड वी आर गोइंग टू राइट द सिग्नेचर।
जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी है, आप किसी क्लब के मेंबर या प्रेसिडेंट हैं किसी सोसाइटी के, या आप किसी स्कूल के हेड गर्ल या हेड बॉय हैं, तो आपका सिग्नेचर, देन योर नेम एंड देन योर डेजिग्नेशन। और उसके बाद हम लास्ट में इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। और हमारे सैम्पल नोटिस के लिए विद स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।